हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर टू कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप मल्टी कलर में भी बुन सकते हैं, स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। ये 6 रो में ही कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है बनकर आया है। ये देखिए, ये मैंने बेबी स्वेटर में डाला है। अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, ये कैसे बनाया गया है। ये 4-4 का मल्टीपल किया गया है और 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले गए। अब मैं स्टार्ट करके दिखाती हूँ आपको ये कैसे बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो किस प्रकार से डालते हैं, ये देखिए। 1 फंदा स्लिप कीजिए और ये फर्स्ट रो आप इस प्रकार से डालिए। पूरी रो सीधी सीधी, इस प्रकार से बनाना है। ये हमारी फर्स्ट रो। सेकंड रो, रॉन्ग साइड, ये देखिए। 1 फंदा स्लिप कीजिए और आगे देखिए, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3, 2 फंदे, 3 फंदे सिंपल बुने, 1 फंदा स्लिप कीजिए, 2 3, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे। इसी प्रकार से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी। ये हमारी सेकंड रो थी। अब ये थर्ड रो देखिए कैसे बुनेंगे। 1 फंदा स्लिप कीजिए, धागा आगे कीजिए, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किया, ये फंदा सिंपल स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे फिर बुने, धागा पीछे किया, फिर ये फंदा स्लिप किया, फिर आगे धागा किया, 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और 1 फंदा स्लिप करना है। ये देखिए, 3 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे से हमारी थर्ड रो आएगी। अब आगे हमारी फोर्थ रो। फोर्थ रो में हम कैसे, ये देखिए, फोर्थ रो हमें उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। इसमें कोई भी फंदा स्लिप नहीं करेंगे, ये स्लिप किया हुआ फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। इस प्रकार से ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट होगी। ये देखिए, इस प्रकार से ये डिजाइन दिखाई देगा। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस डिजाइन को 1 कलर में बुन सकते हैं और 2 कलर में बुन सकते हैं, इसलिए अब हम दूसरा कलर लगाएंगे और दूसरे कलर से फंदे कैसे बनाएंगे, ये देखिए। 1 फंदा बुनिए या आप स्लिप कीजिए, ये 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, ये फर्स्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये सेकंड वाला फंदा स्लिप करेंगे और अब आगे उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना है ये फंदा कैसे बनेगा। 1 फंदा स्लिप कीजिए,
सेकंड वाला फंदा सिंपल बुनी है, ये थर्ड वाला फंदा स्लिप करना है, और ये फंदे अब जैसे डिजाइन बनाते हैं उसी प्रकार से बनेंगे। ये थ्री फंदे हम सीधे बुनेंगे, थ्री फंदे। अब ये फंदा स्लिप करेंगे, ये थ्री फंदे हैं उल्टे, तो इसके बीच वाला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब फिर से 1 2 3 थ्री फंदे बुने, फोर्थ वाला फंदा स्लिप कीजिए। तीन फंदे बनाने के बाद एक फंदे को स्लिप करना है, ये देखिए। ये हमारे टू कलर लगाएंगे तो उससे इस प्रकार से बनाएंगे। अब रॉन्ग साइड, ये देखिए, ये फंदा स्लिप किया, धागा पीछे किया, ये फंदा जो है ये उल्टा बुना जाएगा, धागा फिर आगे करेंगे। अब इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये थ्री फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे किया, 1 2 3 थ्री फंदे उल्टे बुने, धागा फिर अपनी तरफ किया, ये फंदा स्लिप करेंगे, फिर थ्री फंदे फिर से बुनेंगे, ये फंदा फिर अपनी तरफ किया, ये देखिए स्लिप कीजिए, वन फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, और ये फंदा इस प्रकार बनेंगे। ये देखिए, ये 6 रो का डिजाइन है, और यही 6 रो आपको बार बार रिपीट करनी है। 4 रो वन कलर की, 2 रो वन कलर की। अब फिर से जैसे फर्स्ट रो डाली थी हमने, उसी प्रकार से बुनना है। ये देखिए, फर्स्ट रो हमने कैसे डाली थी, एकदम सिंपल ऐसे, एकदम सिंपल बुननी है। ये हमारी फर्स्ट रो है, अब रॉन्ग साइड से फिर से वैसे ही वन फंदा स्लिप करेंगे, थ्री फंदे सीधे बुनेंगे, वन फंदा स्लिप करेंगे, ऐसे ही हमने आगे बुनना है जैसे यहाँ पर बुना था। यही 6 रो आपको बार बार रिपीट करनी है। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए।